मैं राजू कुमार गौंड, आर्ट टीचर्स, जेएनबी साहेबगंज। मैं आप लोगों को आज ऑनलाइन आर्ट एग्जाम्स कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाना है, और बनाने के वक्त का एक छोटा सा वीडियो बनाना है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि कहीं से या तो डाउनलोड करके या तो किसी से, अपने सीनियर से या अपने घर में कोई भी बड़े जो यंगर भाई बहन है उनसे बनवा करके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं ना। लेकिन ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे फॉर्मेलिटी करने से आर्ट एग्जाम्स का कोई मीनिंग नहीं होता है ना। तो इसलिए हम पहले ही आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप पेंटिंग्स जो बनाएंगे तो उसका कम से कम 2 मिनट का वीडियोग्राफी होना चाहिए, है ना। कोई किसी से भी आप वीडियोग्राफी करवा सकते हैं, और उसके बाद से कहीं भी किसी भी वॉल का सतह पे आप लोगों को एक लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल्स हम देकर के बता रहे हैं, है ना, कि मान लीजिए कि ये वॉल है ना, यहाँ पर हमको पेंटिंग्स बनाना है, है ना। तो देखिए हम आपको एक पेंटिंग्स बना करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम पेंटिंग्स बना करके और वीडियोग्राफी करेंगे और उसके बाद से व्हाट्सएप पे हम भेजेंगे। ओके, देखिए जैसे कि मान लीजिए कलर प्लेट है, फिर हमको एक लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाना है। जैसे ये पहाड़ है, जैसे हम पहाड़ बना लिए, ओके, फिर उसके बाद से ग्राउंड बनाना है। तो ग्राउंड्स के लिए थोड़ा हल्का येलो कलर देंगे, ये जैसे कि ये पहाड़ है, और फिर ये यहां से नदी आ रही है ना पहाड़ के बीचों बीच। तो इसे वाटर कलर पेंटिंग्स में हम जानते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा व्हाइट है ना, जैसे कि मान लीजिए कि वाटर हमको बनाना है, तो वाटर
व्हाइट कलर्स का दिखता है तो डायरेक्टली हम व्हाइट स्पेस ही छोड़ेंगे, है ना। उसके बाद से कोई भी पॉइंटेड ब्रश से जहां जहां पे डार्क देना है डार्क कलर समझ देंगे। फिर कहीं कहीं पे ट्री अगर बनाना है तो ट्री के लिए फिर उसके बाद से कहीं पे ट्री बनाना है तो ट्री के लिए इस टाइप से हम एक लैंडस्केप बना करके और कंप्लीट होने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ना। ओके, थैंक यू।